तो स्टूडेंट्स, यूनिक ऑनलाइन गुरु में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम बीसी के लिए अपनी जो जावा की सीरीज़ है उसको स्टार्ट किए हैं और जावा में हमने जावा लैंग्वेज के बेसिक सीख लिए हैं। जावा लैंग्वेज के जो कैसे एक प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम हमने बना दिया था, और JDK के कैसे इंस्टॉल करते हैं, और कैसे अपना पहला प्रोग्राम हमने रन करके देख लिया था, और एक दो प्रोग्राम हमने बना लिए थे, और कौन सी ID हम यूज़ कर रहे थे, विजुअल स्टूडियो कोड का, जो कि बहुत प्यारी ID आपको सारे फीचर्स एक जगह पे दे देती है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जिसको कहते हैं, वो उसको रियल में एक सेटिस्फाई करता है। एक्सप्लोरर आपका होता है, सामने एडिटर होता है, नीचे टर्मिनल होता है। तो एक जावा प्रोग्राम को हम कैसे लिखते हैं, कैसे कंपाइल करके एग्जीक्यूट करते हैं, ये हम जान लिए थे। हमने और एक कॉन्सेप्ट समझ लिया था वेरिएबल्स का, कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, मतलब वैल्यूज़ को कैसे स्टोर करते हैं अपने प्रोग्राम में। मान लीजिए किसी हम कोई वैल्यू स्टोर करनी है, किसी में 5 स्टोर करना है, 10 स्टोर करना है, तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कैसे स्टोर करनी होती हैं, इसके बारे में हमने सीख लिया था। थोड़ा सा हमने और आगे इसके बारे में जानना है कि अगर हमें और डिटेल्ड अगर देखना है, कि अगर मान लीजिए हम कोई डेसिमल टाइप की वैल्यू स्टोर करें, मतलब अगर 2.5 करके स्टोर करें ऐसे, तो कैसे स्टोर करेंगे उसको, हम इंट में नहीं सेव कर सकते। हम क्या लिखते थे, याद है ना, ऐसे लिखते थे इंट ए इक्वल समथिंग, इंट ए इक्वल्स 10, ये लिखते थे ना, ये तरीका था। एक वेरिएबल हमने क्या किया, ए नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें हम वैल्यू 10 स्टोर करते थे। लेकिन अगर यहाँ पे हम अगर ये चाहें, जैसे अगर मैं ये चाहूँ यहाँ पे मैं ये लिख दूँ 10.5, तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं है। उसके लिए आपको दूसरा एक चीज़ यूज़ करना पड़ेगा, क्या रहता है, यहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा फ्लोट। इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है, कैसे होता है, और ये भी थोड़ा, ये फ्लोट नहीं, यहाँ पे ये आपको ये F का सिंबल लगाना पड़ेगा। कैसे होता है, क्या मतलब इनके सबका, हम आगे चल के देखेंगे। फिलहाल हम वेरिएबल्स के बारे में जान चुके हैं, कमेंट्स लिखना जान चुके हैं, कि अगर प्रोग्राम में हमको कमेंट्स लिखने हैं, मतलब कि कमेंट्स क्या, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देनी है जो कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में कोई काम नहीं उसका, मतलब प्रोग्राम को रन नहीं करना है उससे, सिर्फ हमें को प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ानी है, मतलब उसको और पढ़ने के लायक बनाना है, कि अगर हम पढ़ें तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालने के लिए हमने कमेंट्स, और कमेंट्स हमने दो टाइप के कमेंट्स देखे थे, कमेंट्स के ये लिखे भी थे हम, कमेंट्स के दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट्स के बारे में ये भी हमने देखा है, कमेंट्स कैसे लिखते हैं। अब आज हम जो देखेंगे, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो हम वेरिएबल्स के बारे में देख रहे थे, अभी वेरिएबल मैंने लिखा है फ्लोट, यहाँ पे लिखेंगे यही चीज़ के बारे में आज देखेंगे, ये इंट लिखते हैं, फ्लोट लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है और ये क्यों लिखा जाता है, ठीक है, इसको लिखना ज़रूरी थोड़े ना है, लेकिन क्यों ज़रूरी है, यहाँ पे जावा में ज़रूरी होता है, क्या ज़रूरत है उसकी, क्या उससे फ़ायदा है हमको, क्या नुकसान है, वो हम देखेंगे आज। नुकसान तो वैसे कुछ ही नहीं मिलेगा, आपको फ़ायदा ही मिलेगा। तो आज की क्लास का जो टॉपिक होगा वो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेटा टाइप्स और इन जावा, ठीक, मतलब जावा में डेटा टाइप्स क्या होते हैं। अब डेटा टाइप क्या होता है इसको हम समझेंगे पहले, डेटा टाइप का मतलब क्या होता है। डेटा टाइप का मतलब होता है, हम वेरिएबल्स के बारे में जान चुके हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, ऐसी लोकेशंस होती हैं जिनमें हम वैल्यूज स्टोर करते हैं। जैसे हमने क्या किया, ये अभी हमने देखा इंट बनाया, इंट ए इक्वल्स 10, और हम क्या करेंगे, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रिंट करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, जैसे लिख रहे हैं a, जैसे हम यहाँ पे a लिखेंगे, क्या करेगा वो स्क्रीन पे a की वैल्यू है 10 प्रिंट कर देगा। तो ऐसे हम कुछ वैल्यू स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं डेटा टाइप क्या होता है और उसका क्या यूज़ होता है। डेटा टाइप का एक्चुअल मतलब ये है कि द टाइप ऑफ वैल्यू दैट इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल इज कॉल्ड डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल। मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, द टाइप ऑफ वैल्यू दैट अ वेरिएबल कैन स्टोर, वेरिएबल कैन स्टोर इज कॉल्ड डेटा टाइप। यही क्या इसे हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल। ये
value that is stored in a variable या that a variable can store the, ये आपको और better definition ही होगी, जो value एक variable store कर सकता है, जिस type की value उसे हम कहते हैं data type. अब ये type of value का क्या मतलब है, देखिए ये है, यहाँ पे हमने लिखा int a equals 10, int का यहाँ पे मतलब क्या है, integer, int का full form अगर हम लिखेंगे तो full form int का क्या है यहाँ पे, integer. और आपको बताया ना integer क्या होता है, इंटीजर एक सेट होता है. इंटीजर सेट क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स को, जितने भी नॉन फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं नेगेटिव और पॉजिटिव में, 1, 2, 3, 4, 7, 8, -1, -12, -500, -2 लाख, ये सारी वैल्यूज जो कि नॉन फ्रैक्शनल होती हैं, मतलब आप 1/2 नहीं लिख सकते, 3/4 नहीं लिख सकते, 2.5 नहीं लिख सकते, ये सब वैल्यूज नहीं इंक्लूड कर सकते. इंटीजर सेट जिसको हम मैथमेटिक्स में बोलते हैं, जिसको जेड से आई से हम डिनोट करते हैं, हम किससे करते हैं, इंटीजर सेट को जेड से डिनोट करते हैं, है ना, जेड से डिनोट करते हैं इंटीजर वाले सेट को. उस वाले सेट में जितने एलिमेंट्स रहेंगे, जो वैल्यूज रहेंगी, उनको हम स्टोर करने के लिए क्या कर सकते हैं, इंटीजर वाले का यूज करते हैं. इसमें भी कुछ लिमिटेशन हैं आगे इसकी, कि हम कितनी वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम ये समझ सकते हैं कि हमें नॉर्मल अगर एक नंबर स्टोर करना है कोई, जो कि नॉन डेसिमल नंबर है, मतलब जिसमें डेसिमल हम नहीं यूज़ कर सकते हैं, उसको हम कहेंगे नॉन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, नॉन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू मतलब जिसमें फ्लोटिंग वैल्यू नहीं स्टोर कर सकते, जिसको हम नॉर्मल बोल चाल में डेसिमल वैल्यूज बोलते हैं. जैसे ये एक नॉर्मल वैल्यू है, एक नॉर्मल नंबर है, और ये एक डेसिमल नंबर है. जैसे हम ऐसे लिखेंगे, जैसे यहाँ ये लिखा मैं 10.5, ये क्या है, ये एक डेसिमल वैल्यू है, यही तो लिखेंगे हम, 10.5 को हम डेसिमल वैल्यू बोलते हैं. लेकिन प्रोग्रामिंग में हम डेसिमल वैल्यू इसे नहीं बोलते हैं, प्रोग्रामिंग में हम 10.5 को क्या बोलेंगे, एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू. तो एक न्यूमेरिक वैल्यू अगर नॉर्मल हमें नॉन फ्रैक्शनल हमें वैल्यू कोई न्यूमेरिक स्टोर करनी है, तो उसके लिए हम इंट का यूज करते हैं. तो ये जो इंट है, यही बताता है कि इसमें क्या होगा, ये वेरिएबल जिसे हम वेरिएबल बनाते हैं, जिसे हमने बनाया इंट ए इक्वल्स 10, तो ये इंट जो है ये इसी ने ये बताया तुरंत प्रोग्राम को, हमारे हमारे कंपाइलर को क्या बताया, कि इसमें भाई इंटीजर टाइप की वैल्यू हमेशा स्टोर होगी. कैसे टाइप की, इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर होगी. तो यही जो हमारे वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता है, उसे डेटा टाइप कहते हैं. क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट. जैसे अगर हमें कोई वेरिएबल मान लीजिए फ्लोट वैल्यू स्टोर करनी है, याद रखिए जो डेसिमल हम कहते हैं नॉर्मल लाइफ में, उसी को प्रोग्रामिंग में फ्लोटिंग वैल्यूज कहते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, ये इस टाइप की जो डेसिमल वैल्यूज होती हैं. तो अगर फ्लोट वैल्यूज हमें डेसिमल वैल्यूज स्टोर करनी है किसी प्रोग्राम में, प्रोग्राम के किसी वेरिएबल में, तो उसका हम डेटा टाइप क्या रखेंगे, फ्लोट. तो वही चीज जिससे हमें पता लगे कि ये वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता है, उसी को उसकी डेटा टाइप कहते हैं. आप देखते हैं जावा में कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं, जो कौन कौन से डेटा टाइप्स जावा में सपोर्टेड हैं, सपोर्टेड कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं. तो डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं, देखिए अब देखिए डेटा टाइप्स का हम जैसे कहते हैं कि डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं, क्या क्या मतलब है डेटा टाइप्स का. तो सबसे पहला हमारा डेटा टाइप का जो हमारा वो आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यही कि अगर कोई डेटा टाइप है तो वही कि मतलब वो क्या बताएगा हमें, किस टाइप की वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं, क्या बताएगा हमें कि किस टाइप की वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ से अब यहाँ पे डेटा टाइप्स को हम दो क्लासिफिकेशन हुई है, मतलब यहाँ पे दो पार्ट्स में उनको डिवाइड किया गया है. कौन कौन से दो टाइप्स के, प्रिमिटिव और एक दूसरा जो है वो हमारा डेराइव्ड, या इसको चलिए भी देखते हैं डेराइव्ड या यूजर डिफाइंड. डेटा टाइप, प्रिमिटिव और यूजर डिफाइंड, डेराइव्ड क्या मतलब है समझते हैं. प्रिमिटिव का मतलब क्या है, सबसे पहले इस कैटेगरी को देखते हैं. प्रिमिटिव डेटा टाइप्स मतलब वो डेटा टाइप्स जो जावा हमें खुद से इंटरनली प्रोवाइड करता है, कि मतलब हम आप इस टाइप की वैल्यूज आप इस प्रोग्राम में अपने स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल्स में, जो जावा खुद से प्रोवाइड करता है उनको बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, मतलब जो प्रिमिटिव वैल्यूज होती हैं. ठीक है, प्रिमिटिव में कौन कौन से आते हैं, यहाँ पे पहला क्या होगा, इंटीजर,
और अगर इससे थोड़ा हम लिखें तो पहला इसको नहीं लिखेंगे हम, सॉरी इसको पहला नहीं लिखेंगे, पहला हम क्या लिखेंगे, शॉर्ट, शॉर्ट इंटीजर लॉन्ग, ये फिर कैरेक्टर फ्लोट। अब ये लिस्ट देखते जाइए, अब क्या है आगे हम समझते हैं, डबल बूलियन, ठीक, ये हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। यहां पे इसका मतलब क्या है, अब देखिए जैसे हम लिखा शॉर्ट इंटीजर लॉन्ग कैरेक्टर, और ये बाकी जो दोनों हमने लिखा कैरेक्टर शॉर्ट इंटीजर लॉन्ग कैरेक्टर फ्लोट डबल बुलियन, इसका मतलब क्या है कि ये इतने डेटा टाइप्स हैं जो जावा हमको देती है। शॉर्ट का मतलब क्या है, शॉर्ट का मतलब ये है कि आप न्यूमेरिक वैल्यूज में स्टोर कर सकते हैं, इन शॉर्ट जो वैल्यूज होती हैं उसमें आप न्यूमेरिक वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, लेकिन किस टाइप की, वो कितनी वैल्यूज होती है वो भी हम देखेंगे आगे, कि इनकी रेंजेस क्या होती हैं। जैसे आप इंटीजर अभी यूज कर रहे थे ना, हम इंट यूज कर रहे थे, सिंबल इसका मैं लिख देता हूँ, इसको क्या बोलते हैं सिंबल, जैसे हमें कि कैसे कैसे रहेंगे इसमें, तो हाँ तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की हम बात कर रहे हैं कि शॉर्ट, तो सबसे पहला क्या आएगा, शॉर्ट टाइप का। शॉर्ट टाइप के क्या होती हैं, ऐसी वैल्यूज होती हैं जो कि हमारे दो बाइट्स लेंगे और स्टोर हो जाएंगे हमारे, मतलब ऐसी वैल्यूज जो हमारी दो बाइट में स्टोर हो जाए उनको हम शॉर्ट में कहेंगे। देखिए शॉर्ट इंटीजर लॉन्ग कैरेक्टर फ्लोट डबल बुलियन, अब सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इतना जरूरत क्या है इतने अलग अलग डेटा टाइप्स की बनाने की। जरूरत इसलिए है कि हम अपना प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें हमें मान लीजिए एक छोटी सी वैल्यू स्टोर करनी है, एक मान लीजिए वैल्यू हमें वन स्टोर करनी है, टू स्टोर करनी है, और उसके लिए हम ऐसा एक वैल्यू डेटा टाइप ले लेते हैं, मतलब एक वेरिएबल ले लेते हैं जो कि कितना करता है। देखिए वेरिएबल बनने का प्रोसेस क्या है, हमने बताया था ना कि जब हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, जैसे मैंने हम एक वेरिएबल को यहाँ पे अगली स्लाइड में देखते हैं, एक वेरिएबल सपोज मैंने बनाया इंट टाइप का, जैसे मैंने लिखा इंट, इंट और ए रन आया और इसमें लिखा 10, इसमें प्रोसेस क्या होता है, कैसे इसमें जावा कंपाइलर इस पर कैसे, वो कंपाइलर नहीं जो जेवीएम है, मतलब इस पर कैसे रिएक्ट करता है, क्या प्रोसेस अंदर चलाता है, क्या करता है कि जैसे ये हमारा बनता है ये वाला टाइप का, जैसे हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे ही ये हम लिखते हैं प्रोग्राम क्या करता है, वो तुरंत मेमोरी में एक स्पेस बनाता है। आप एक कंटेनर की तरह, एक वेरिएबल को आप एक कंटेनर की तरह देख सकते हैं जिसमें हम कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, कंटेनर होता है उसमें पानी स्टोर कर सकते हैं या कुछ और चीज़ें हम चाहें अगर तो उसको स्टोर कर सकते हैं। तो उसी तरह एक वेरिएबल एक कंटेनर की तरह है, तो जैसे हम यहाँ पे इंट ए इक्वल्स 10 लिखते हैं, जावा क्या करती है, जैसे तुरंत वहाँ पे मेमोरी में एक ऐसा कंटेनर यानी एक मेमोरी लोकेशन बनाती है, उसको क्या करती है, उसको अपने अंदर स्टोर करती है कि इसमें भाई ये इंट टाइप का है, मतलब एक इसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू आएगी, इंटीजर वाली समझ रहे हैं आप कि जिसमें नॉन फ्रैक्शनल वैल्यूज रहे, न्यूमेरिक वैल्यूज नॉन फ्रैक्शनल वाली। तो ये तुरंत बना दिया कि एक वेरिएबल है और उसका एक नाम दे दिया, क्या नाम दिया, ए, ए, ठीक। जावा हालांकि एक्चुअली में थोड़ा सा इससे अंतर है, जावा में क्या करता है, ये एक स्टैंडर्ड तरीका है बनाने का, जावा क्या करता है एक मेमोरी लोकेशन इसको बनाता है और ए एक्चुअली में एक पॉइंटर होता है जो कि इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा होता है। आपको फिलहाल इतना समझने की जरूरत है, एक ऐसे ही सिंप्लीफाइड पिक्चर हम समझेंगे कि एक कंटेनर है, एक मतलब एक मेमोरी लोकेशन है, मेमोरी हुई तो ना जहाँ पे कोई वैल्यूज स्टोर करते हैं हम, जो प्रोग्राम को हमारे काम होते हैं, हमारे प्रोसेसर को बार बार काम होती है, तो ये एक मेमोरी वैल्यू है हमने स्टोर की, तो उसने क्या किया तुरंत एक मेमोरी लोकेशन बनाई और उसका नाम दे दिया ए। और फिर हमने जैसे इक्वल टू 10 लिखा, इसने क्या किया, आप ये जरा देखिए इसको एक इस, ये लिखने का एक तरीका ये भी है, आप ये लिखिए जो कि स्टैंडर्ड तरीका इसे माना जाता है, और फिर ये लिखिए, मतलब आपको ए में एक ए नाम का वेरिएबल बनाना है उसमें 10 स्टोर करना है, तो जावा क्या कहता है स्टैंडर्ड तरीका, ये भी बिल्कुल सही तरीका है, कोई समस्या नहीं इसमें। लेकिन जो तरीका आपको फॉलो करना चाहिए वो ये होता है, आप एक इंटीजर टाइप का ही बनाएं, इंट ए लिखें आप,
इससे जावा को क्या होगा कि भाई एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाना है, मतलब एक मेमोरी लोकेशन बनानी है जो का नाम होगा ए, और उसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर होगी। और दूसरा फिर क्या करेगा, ए इक्वल्स 10 जैसे हम लिखेंगे, ये इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये क्या करता है, ये अपने राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑपरेटर में उठा के डाल देता है, ऑपरेंड में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो भी रखेंगे हम उसमें उठा के ये वैल्यू डाल देगा। तो ए हमारा एक वेरिएबल है, मतलब एक स्टोरेज लोकेशन है, ए में इसने 10 को स्टोर कर दिया, तो यहाँ पे तुरंत 10 स्टोर हो गया। ये पूरा प्रोसेस होता है आप जब ये इंट ए इक्वल्स 10 लिखते हैं, क्या करता है एक मेमोरी लोकेशन बनाता है, उसमें उसका नाम एक देता है जो आप वेरिएबल का नेम देते हैं, और वहां पे एक पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर कर देता है। अब देखिए अलग अलग वेरिएबल बनाने के क्या तरीके, क्या अलग अलग डेटा टाइप्स बनाने का क्या यूज है। यहाँ पे एक जो इंटीजर टाइप का है, ये इंटीजर टाइप है ना, क्या है, इंटीजर टाइप है, इंट टाइप का है। इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल जब बनता है तो हमने कहा कि मेमोरी लोकेशन एक बनाता है, तो मेमोरी लोकेशन में कुछ साइज होगी उसकी, है ना, एक कंटेनर अगर हम कहेंगे कि ये कंटेनर है तो कुछ साइज होगा उसका, कुछ वॉल्यूम होगा कि इसमें भाई 4 लीटर पानी आता है, इसमें 5 लीटर पानी आता है। उसी तरह इसमें मेमोरी लोकेशन में हर मेमोरी की एक, हर वेरिएबल की एक साइज होती है कि वो कितना बिट्स छकाएगा, कितना जो कितना बिट्स का जगह वो घेरेगा अपने के लिए। जैसे कि इसको समझते हैं, हमने बहुत स्टार्टिंग में जब हम प्रोग्रामिंग के बारे में सीख रहे थे, प्रोग्रामिंग क्या होती है, कंप्यूटर्स क्या होते हैं, कंप्यूटर्स काम कैसे करते हैं, वहाँ पे हमने सीखा था कि कंप्यूटर और कुछ नहीं जानता, कंप्यूटर के लिए ए बी सी डी हम इंट लिख रहे हैं, 10 लिख रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। कंप्यूटर केवल ये समझता है 0 या 1, और 0 और 1 का क्या मतलब है, 0 का मतलब एक स्विच ऑफ है, स्विच कोई है वो ऑफ है, और यहाँ पे 1 का मतलब ऑन है। स्विच क्या, कंप्यूटर जो होते हैं वो छोटे छोटे स्विचेज उनके अंदर होते हैं क्योंकि ट्रांजिस्टर्स की मदद से बनाए जाते हैं, और वो स्विचेस क्या करते हैं कि सिंपल, उनका स्विच का क्या मतलब है कि एक आप स्विच को सिंपल समझिए, आप फिजिक्स में हम जो स्विच यूज करते हैं, एक ये, एक ऐसे ये आपका बाहर जो सर्क्यूट है आगे, ठीक, क्या करेंगे अगर ये स्विच को हम यहाँ पे दबा देंगे, ऑन कर देंगे तो करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, और स्विच हम अगर ऑफ कर देंगे तो करंट का फ्लो स्टॉप हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट होता है इसमें भी कंप्यूटर के अंदर कि जब तक किसी भी स्विच में करंट फ्लो हो रहा है तब तक वो ऑन है, करंट नहीं फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है तो उसको ऑफ है। तो ये ऑन या ऑफ है, इसको स्टोर करने के लिए, इसकी वैल्यू इसको स्टोर करने के लिए कि स्विच ऑन है ऑफ है, इसको जो मेमोरी लोकेशन चाहिए होती है ये 0 या 1 कहते हैं, नहीं कि अगर 0 तो ऑफ है 1 है तो ऑन है, इसको बोलते हैं एक बिट, इसको बोलते हैं 0 है या 1 है इसको बोलते हैं एक बिट। बिट का मतलब एक वो छोटी से छोटी वैल्यू जो कंप्यूटर में एग्जिस्ट कर सकती है। तो छोटी वैल्यू मतलब एक लोकेशन में हम कोई वैल्यू रख दिए या 0 रखे दें या 1 रख देंगे उसमें, तो एक बिट का मतलब ये होता है कि एक स्विच जो ऑन होगी तब उसका वैल्यू 0 होगा, वो ऑन होगी तब उसका वैल्यू 1 होगा, ऑफ होगी तो उसका वैल्यू 0 होगा, ये होता है एक बिट का मतलब। और ऐसी अगर आप 8 बिट्स ले लें, ऐसे मान लीजिए 8 0 0 है, 3 4 5 6 7 8, 8 बिट्स अगर आप ले लें ये ऐसे, इनका पूरा ग्रुप, तो इसे क्या बन जाता है, एक बाइट बन जाता है, क्या बोलते हैं, एक बाइट, BYTE, ठीक। तो 8 बिट्स का कनेक्शन, जो 8 बिट्स का जो मतलब सीरियल होता है, सीक्वेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, 8 बाइट्स, 8 1 बाइट मतलब 8 बिट्स, ठीक है, 1 बाइट हम इसे बोलते हैं। और इसमें जो वैल्यू स्टोर हो सकती है, हर वैल्यू 0 या 1 हो सकती है, और उसको बाइनरी में हम देखते हैं। जैसे कि अगर हम समझते हैं यहाँ पे कि यहाँ से कि अगर हमारा ये लिखा है 0000, सपोज 4 बिट में हमने लिखा है, ठीक है, आधे बाइट में लिखा है, एक निबल इसे बोलते हैं, 1 निबल, 4 बाइट, ये देखिए 4 बिट्स बराबर क्या होता है, 1 निबल, मतलब बाइट का आधा, हाफ बाइट। अगर ये लिखे हैं इसका वैल्यू क्या है, 0, ये बाइनरी में लिखा है, बाइनरी मतलब हर नंबर की वैल्यू 0 या 1, यानी केवल 2 वैल्यू ले सकता है, हर डिजिट 0 हो सकता है या 1, इसका मतलब 0। अगर वही हम ये लिख दें तो हमारे लिए, मतलब डेसिमल में अगर इसको दें तो ये 1000 है, लेकिन 1000 नहीं है क्योंकि ये बाइनरी में हम यहाँ फिलहाल लिख रहे हैं, बाइनरी में लिख रहे हैं, इसका वैल्यू क्या होगा, 8, इसका वैल्यू क्या होगा, 8, 0 1 2 3, थर्ड पोजीशन है, जिस पोजीशन पर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, 8।
तो ये कन्वर्जन सिस्टम आप कह सकते हैं कि ये बाइनरी में है, मैंने इसको यहाँ पे डेसिमल सिस्टम में लिखा। डेसिमल सिस्टम का मतलब ये आता है यहाँ पे, जो हम नॉर्मल वैल्यूज को, नॉर्मल नंबर्स हम लेते हैं, जो मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 वैल्यूज हो सकती हैं एक डिजिट की, एक डिजिट की 9 वैल्यूज हो सकती हैं। अगर हम अगर 3 डिजिट का नंबर लिखेंगे तो वहाँ पे एक डिजिट की वैल्यू 9 वैल्यूज वो ले सकता है, उसको हम डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। उसमें 10 वैल्यूज होती हैं, एक डिजिट की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, 10 वैल्यूज, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वैल्यूज हो सकती हैं एक डिजिट की, इसलिए उसको हम डेसिमल वैल्यू बोलते हैं। यहाँ पे एक डिजिट की सिर्फ 2 वैल्यूज हो सकती हैं, या 0 या 1, इसीलिए इसको हम बाइनरी बोलते हैं। बाइनरी का मतलब ही होता है 2, तो बाइनरी मतलब यहाँ पे 2। यहाँ पे हम एक, अगर बाइनरी में नंबर लिखना है तो एक डिजिट का वैल्यू 0 या 1 हो सकता है, और उसका प्लेस वैल्यू के हिसाब से जैसे हम निकालते हैं ना, सपोज यहाँ पे जो हमें सिखाया जाता है बचपन में क्या रहता है, ऐसे आपको लिखा है 5, 4, 9, 6। अब पूछा जाता है आपसे कि 4 का प्लेस वैल्यू बताओ, कि 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं कि 4 लिख सो फेस वैल्यू लिखते हैं पहले, कि मतलब वो क्या नंबर है, इंटू 1 लिख करके उसके बाद में जितने डिजिट्स हैं या उसका जो पोजीशन पे है, वो जिसको हम 1, 10, 100, 1000 पे देखते हैं वो किस पोजीशन पे है उसको लिखते हैं। तो ये क्या है भाई, ये तो 100 पोजीशन पे है, 4 क्या है 100 पोजीशन पे है, 9, 6। तो क्या करेंगे, 4 के बाद 1 के बाद डबल जीरो लगाएंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 400। तो यहाँ पे 4 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है 400, फेस वैल्यू मतलब एक्चुअल उसकी वैल्यू 4 है, लेकिन यहाँ पे जो उसका वैल्यू टोटल बन जा रहा है थर्ड डिजिट पे होने की वजह से क्या हो जा रहा है 400 हो जा रहा है। उसी तरह से इसमें अगर हम प्लेस वैल्यूज निकालते हैं बाइनरी में, उसका भी एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है कि आप यहां से स्टार्ट कीजिए गिनना, पहला नंबर 0 होगा, पहला पोजीशन जो होगा इसको जिसको इंडेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको इंडेक्स, जिसको हम पोजीशन नॉर्मल में बोलते हैं, प्रोग्रामिंग में उसको इंडेक्स बोलेंगे। पहले पोजीशन को आप राइट साइड से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग, पहले को 0, दूसरे को 1, 2, 3, ऐसे अगर आप मलिया और भी नंबर है 4, 5, 6, अब तो ऐसे चलता चला जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पे 4 तक की बात करते हैं, यानी 4 नंबर्स, 4 बिट्स, 4 डिजिट्स हमारे पास, तो 0, 1, 2, 3 यहाँ तक जाएगा। अब अगर आपको यहाँ पे किसी भी वैल्यू की, किसी भी डिजिट की, मतलब ये 0 वाली डिजिट है 0 पोजीशन की, ये 1 पोजीशन की है, याद रखिए यहाँ पे पोजीशन हमारी इसकी फर्स्ट है, इसकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लेकिन जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो पहले का इंडेक्स क्या होगा 0, दूसरे का 1, तीसरे का 2, चौथे का 3। अब इसमें हम कहेंगे मान लीजिए हमें 0 की फेस वैल्यू चाहिए, तो फेस वैल्यू कैसे निकलती है, ओ प्लेस वैल्यू चाहिए, तो वही तरीका 0 को लेंगे ऐसे हम, इसका फेस वैल्यू क्या है 0 इंटू, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम वहां पे लिखते हैं 1 इंटू 1 लिखते हैं, और अगर जितने उसके डिजिट्स हैं उतने जीरोस बढ़ा देते हैं। ये यहाँ पे एक्चुअल तरीका क्या होता है, ये आपका जो बेस है यहाँ पे, मतलब एक डिजिट की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, यहाँ पे आप डेसिमल में लिख सकते थे एक डिजिट की कितनी वैल्यूज हो सकती थी 10, यहाँ पे एक डिजिट की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं 2, तो बेस उसको कहते हैं, ये बेस हो गया हमारा 2। फिर ये कौन से इंडेक्स पे है वो आप लिख दीजिए, अब देखिए कौन से इंडेक्स पे है 0, 1, 2, ये 0 कौन से इंडेक्स पे है, सेकेंड इंडेक्स पे है, इसका पावर ये हो गई इसकी फेस वैल्यू पूरा, प्लेस वैल्यू पूरी। अब 0 × 2 2 यानी 0 × 4 क्या हो जाएगा 0, ठीक, तो इसकी फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू कितनी हुई 0। यहाँ पे ये 1 लिखा है, इसकी निकालिए जरा 1 की, 1 तो है उसकी फेस वैल्यू इंटू बेस कितना है इसका, बेस चूंकि हम बाइंडिंग में सारे नंबर्स हैं तो बेस हम इसको 2 लिखेंगे, और इंडेक्स क्या है उसका, मतलब किस पोजीशन वाले पे है, फोर्थ पोजीशन पे है, इंडेक्स 3 होगा 2 पावर 3, और ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। मैं आपको इसको साइड बाय साइड कंपेयर करके दिखाता हूँ, देखिए एक स्लाइड, पहले हम उसको वेरिएबल्स का पूरा ढंग से समझ लेंगे कि वेरिएबल्स एक्चुअली मेमोरी में क्या रहता है, कैसे स्टोर होते हैं, कन्वर्जन थोड़ा सा देखेंगे, फिर हम आगे चलेंगे, ताकि आपको जब भी आप देखें आपको ये लाइन जैसे दिखेगी, जैसे आपको मान लीजिए ये लाइन दिखी, आपके दिमाग में तुरंत चल जाएगा पूरा एक सीक्वेंस, पूरा रन हो जाएगा, जैसे प्रोग्राम रन होता है कि यहाँ पे ऐसे हुआ होगा, ऐसे 1 बिट में ऐसे 0 या 1 स्टोर हुआ होगा, और उस तरह से पूरा 0, 10 को इस तरह से स्टोर किया गया होगा, और फिर उसको नाम दिया गया होगा ए, और ए की वैल्यू यहाँ पे ऐसे 10 असाइन हो जाती है। ये आपको पूरा समझ में आना चाहिए कि आप जैसे ये लाइन देखें पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पे उसको आपको दिखाता हूँ कैसे, ये देखिए
ऐसे, ठीक। यहां पे मैंने एक नंबर, ये डेसिमल सिस्टम है हमारा, डेसिमल मतलब बेस 10। बेस का मतलब क्या है ये समझ के रखिए, बेस का मतलब क्या है कि एक डिजिट कितने वैल्यूज ले सकता है। यहां पे एक डिजिट 10 वैल्यूज ले सकता है, कौन कौन से, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 9, कितने हो गए टोटल 10 वैल्यूज हो गए ना, तो इसको इसलिए हम डेसिमल बोलते हैं। यहां पे बाइनरी लेके चलेंगे, इसको हम नंबर सिस्टम्स बोलते हैं कि कंप्यूटर में कितने नंबर सिस्टम्स होते हैं, मतलब कितने टाइप के नंबर्स होते हैं। तो हम नॉर्मली जब पढ़ते हैं तो हम बाइनरी और डेसिमल का यूज करते हैं, और भी होते हैं, ऑक्टल होता है, हेक्साडेसिमल होता है, उनके बारे में फिलहाल हमें नहीं जानना है। हमें अपने समझना है कि कंप्यूटर से और रियल वर्ल्ड से इंटरेक्शन हमें समझना है। प्रोग्रामिंग है ही यही, कंप्यूटर और रियल वर्ल्ड का इंटरेक्शन। प्रोग्रामर जो होता है, यूजर जो होता है, उसको इंस्ट्रक्शंस देता है, और इंस्ट्रक्शंस हम तो भले लिख लें, हमने लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, हम इंस्ट्रक्शंस अपने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो कन्वर्ट होता है बाइनरी में ही। कंप्यूटर तो बाइनरी मतलब 0, 1 यानी स्विच का ऑन या ऑफ ही समझता है। इसीलिए हमें इन दोनों सिस्टम्स को समझना बहुत ज़रूरी है, इनके आपस का कनेक्शन। बाइनरी मतलब बेस क्या है, यहाँ पे बेस क्या है 2, और 2 बेस का मतलब एक डिजिट 2 वैल्यूज केवल ले सकती है, कौन कौन सी, 0 या 1। एक डिजिट की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, 0 या 1। अब दूसरा यहाँ पे देखते हैं आगे, हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं, ये नंबर लेते हैं हम 9, 4, 3, 5, एक रैंडम नंबर हमने लिया 4 डिजिट्स, ठीक। इसमें हम एक नंबर लेते हैं रैंडम, याद रखिए यहाँ पे हमें केवल 0 और 1 केवल 2 ही वैल्यूज हो सकती हैं एक नंबर की, ठीक है, मतलब एक डिजिट की केवल 2 वैल्यूज हो सकती हैं। तो 0, 1 में हम लिखते हैं सपोज 1, 0, 1, 1, सपोज यहाँ पे हमने 9, 4, 3, 5 लिया, यहाँ पे 1, 0, 1, 1 लिया, ये वही ऑप्शन हमारे 2 वैल्यूज हैं, 0, 1, 0, 1 का लिखेंगे हम यहाँ पे। अब हम निकालते हैं कि 9, 4, 3, 5 के हम अगर इंडिविजुअल हमें वैल्यू निकालनी हो तो डेसिमल में ही हमें वैल्यू निकालनी है, चूंकि वैल्यू क्या निकालनी है, डेसिमल में ही। हम क्या करेंगे, ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि हम इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको भी ये डेसिमल में है एक्चुअली में, लेकिन हम क्या करेंगे, सोचेंगे ऐसा कि हम एक तरीका फॉलो करेंगे, वही तरीका दोनों के लिए, कि हम इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं और इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये लाइन सीधी होनी चाहिए, ठीक। तो उससे हमें एक बहुत ग्रेट डेप्थ में आइडिया समझ में आ जाएगा कि कैसे दोनों नंबर को हम कैसे, मतलब सिस्टम दोनों हैं बाइनरी और डेसिमल सिस्टम, आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे। तो इसको भी मैं साथ साथ कन्वर्ट करूंगा, इसको भी साथ साथ कन्वर्ट करूंगा। ये तरीका आपको पता है, जो आपको टीचर्स कहते हैं ना कि आप इसकी फेस सबकी प्लेस वैल्यू निकालिए, और नंबर की प्लेस वैल्यू निकाल के उनको सम करना होता है, आपका एक्चुअल नंबर उससे आ जाता है। उसी तरह इसकी मैं प्लेस वैल्यू निकालूंगा हर नंबर की, उनको सम करेंगे और उससे डेसिमल की वैल्यू निकालेंगे, इसकी भी हम डेसिमल की वैल्यू निकालेंगे भले ही डेसिमल में है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, याद है ना, सबसे पहले राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले नंबर का प्लेस वैल्यू निकालने का तरीका वही, हम पहले इंडेक्स लिख लेते हैं हर नंबर का, इस डिजिट का इंडेक्स ये पहले पे है तो इसका इंडेक्स 0 हो जाएगा, और बेटर होगा ऊपर लिखें, इसका इंडेक्स 0 हो जाएगा, इसका इंडेक्स 1, इसका 2, इसका 3, ठीक, क्लियर है कॉन्सेप्ट, 0, 1, 2, 3। इसका भी इंडेक्स यहीं पर देखते हैं, 0 होगा, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, ये इंडेक्स हुए हमारे 0, 1, 2, 3, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना है, तो पहले इसको कन्वर्ट करते हैं, पहले क्या होता है यूनिट डिजिट को कन्वर्ट करते हैं, यूनिट डिजिट ये है, इसका प्लेस वैल्यू निकालते हैं, पहले फेस वैल्यू लिखते हैं, क्या तरीका होता है, फॉर्मूला क्या होता है, इसको मैं ऊपर लिखना चाहूँगा फॉर्मूला, आप यहाँ पे देखें फॉर्मूला क्या होता है, किसी का फॉर्मूला, किसी एक नंबर का अगर प्लेस वैल्यू आपको निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है कि फेस वैल्यू का मतलब आप पता है, फेस वैल्यू कन्फ्यूज नहीं होना है, फेस वैल्यू क्या है, वो नंबर की एक्चुअल वैल्यू क्या है, नंबर क्या है, 4 है, 5 है, 0 है, 1 है, फेस वैल्यू इनटू मल्टीप्लाई किससे करते हैं, बेस की पावर इंडेक्स, यही आपका फॉर्मूला का एक वैल्यू होता है, एक पर्टिकुलर क्या हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, फॉर्मूला की जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर्मूला ना लिख के यहाँ पे हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू, क्या लिखेंगे, प्लेस वैल्यू। तो किसी ऑब्जेक्ट, किसी नंबर की प्लेस वैल्यू क्या होगी, फेस वैल्यू इनटू बेस की पावर इंडेक्स,
बेस क्या है, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन, कितने पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं एक डिजिट की। डेसिमल में 10 कॉम्बिनेशन मतलब 10 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं 0 से 9 तक। बाइनरी में केवल 2 हो सकती हैं 0 या 1, ठीक। और 0 1 उसमें क्या दिखाता है, 0 स्विच का ऑफ, 1 स्विच का ऑन। ये देखिए अब 5 की हमें निकालनी है, इंडेक्स हमने पहले से लिख दिया है। तो क्या फॉर्मूला था, यहां से देखिए, बार बार हम नहीं करेंगे, एक बार हम देख लिया, फेस वैल्यू इंटू बेस की पावर इंडेक्स। यहां पे चलिए आप, फेस वैल्यू क्या है भाई 5 की, 5 है, इंटू बेस क्या है, डेसिमल सिस्टम ये है, बेस इसका 10 होगा, उसकी पावर इंडेक्स, इंडेक्स क्या है यहाँ पे 0 0, बराबर क्या बनेगा यहाँ पे 5 × 10⁻⁰ यानी 5 × 1, ठीक। किसी की पावर 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो 5 × 1 5। इस सिस्टम में जाइए, देखिए कितना मजेदार कंपैरिजन होगा कि आप एक इसमें निकालते हैं, फिर इसमें निकालेंगे, फिर इसमें हम, फिर इसमें निकालेंगे, तो उससे आपको एक ग्रेट आइडिया मिल जाएगा कैसे हम कंपेयर करते हैं दो नंबर्स को। अब इसकी भाई निकालनी है आपको फेस वैल्यू 1, पोजिशन इंटू मतलब बेस क्या है इसका, बेस यानी 2 है ना, बेस 2 है, इंडेक्स 0 है, यानी 1 × 1 क्या हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू भैया आ गई 1। इस सिस्टम में चलते हैं फिर से, अब 3 की निकालनी है, 3 उसकी फेस वैल्यू, उसका जो बेस हुआ 10, इंडेक्स क्या हुआ, 3 का इंडेक्स है 1, सेकंड पोजीशन पे, तो इंडेक्स पोजीशन माइनस 1 होता है, इंडेक्स 1 हो गया, क्या होगा 3 × 10 = 30, ठीक। इसमें जाते हैं, इस 1 की निकालते हैं, फेस वैल्यू 1, बेस 2, इंडेक्स 1, और 1 × 2⁻¹ यानी 1 × 2 = 2। फिर से इसमें आते हैं 4 में, 4 × बेस क्या है भाई, बेस 10 है, इंडेक्स क्या है 2 है, और इसको अगर आप चाहें तो एक और स्टेप लिख दें, 10⁻²² क्या होती है 100। आप समझ में आ रहा है ना, ये टीचर जो बताते थे कि आप 1 लिख दो, उसके बाद जितने डिजिट्स हैं उसके बाद में उतने आप जीरोस बढ़ा दो, इसीलिए क्योंकि आपको वो इतना डिटेल में नहीं जाना चाहते थे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो एक्चुअली में एक के बाद जीरो नहीं बढ़ाना होता है आपको, आपको 10 की उतनी पावर लगानी होती है जितना उसका इंडेक्स होता है। ये एक्चुअल तरीका है, सही तरीका ये है, आपको वहाँ पे समझ उतनी नहीं होती है, इसलिए आपको ये तरीका आसान समझाया जाता है कि आप 1 लिख दो भैया, उसके बाद जितना जीरो है मतलब जितना डिजिट है उसके बाद में नंबर के बाद में उतना जीरो बढ़ा दो, मतलब क्या होता है उसका उतना पावर चढ़ा दो, उतना पावर उसका ले लो। तो 10⁻² यहाँ पे 2 थी, 4 × 100, देखिए 1 लिखा हमने और जो बचपन वाला तरीका 1 लिखा फिर उसके बाद 2 जीरो बढ़ा है, क्यों, क्योंकि 4 के बाद यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 400। इस बार सिस्टम में चलते हैं, 0 का निकालना है हमें, फेस वैल्यू 0, बेस उसका 2, इंडेक्स उसकी 2, अब 0 × 2⁴ यानी 4, 0 × 4 क्या होता है, किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 हो जाएगा, ठीक। इसमें आते हैं 9 आ गए भाई, फेस वैल्यू 9, बेस उसका 10, 10 वैल्यूज हो सकती है, बेस 10 हो गया डेसिमल का, इंडेक्स क्या है भैया यहाँ पे, इंडेक्स 3 है, यहाँ पे लिखा ना इंडेक्स यहाँ पे 3 है, 3 बराबर क्या होगा 9 × 1000 = 9000, ठीक। यहाँ पे क्या आया, फेस वैल्यू 1 है, बेस 2 है, उसकी इंडेक्स क्या है 3, कितना आया 1 × 2⁸, 2 का क्यूब कितना होता है 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8, तो 1 × 8 बराबर कितना हो जाएगा 8, हो गया क्लियर। 0 वाले इंडेक्स से हमने स्टार्ट किया, थर्ड वाले इंडेक्स से यानी फोर्थ पोजीशन तक हम चले, अब आया एक्चुअल वाला। अब हम क्या प्रिटेंड कर रहे हैं कि इसको भी हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, अब क्या करना है हमें, अगला स्टेप क्या होगा, इसमें सबकी जो प्लेस वैल्यूज हैं उनको हमको सम कर देना है, ऐड कर देना है, और इसमें भी जितनी प्लेस वैल्यूज आई उनको ऐड कर देना है, इसकी प्लेस वैल्यूज को ऐड करते हैं। क्या पहला आया 5, पहला आया 5, फिर 30, फिर 400, फिर 9000, तो क्या तरीका है, ऐसे ऐसे लिखेंगे 9000 आया प्लस जो बेस है हमारा उससे स्टार्ट करते हैं, पहला हमारा आया 5, फिर
फिर आया 30, फिर आया 400, फिर आया 9000। इसको आप ऐड करेंगे तो सिंपल सा तरीका है, आप ऐड करना आपको आता ही है, 9435 आ गया ना एक्चुअल नंबर वाला हमारा, ये देखिए ये यही नंबर लेके हम चाहते 9435। लेकिन यहाँ पे हमने किया कि हमने इसको कन्वर्ट किया डेसिमल में, तो 9435 जो डेसिमल में था वो डेसिमल उसकी वैल्यू क्या होगी, 9435 इक्वल टू। यहाँ सेम चीज हम इसमें भी करेंगे, लेकिन मजा इसमें आपको एक्चुअल में आएगा, क्यों, क्योंकि ये बाइनरी में था, हम उसको डेसिमल में रियल में कन्वर्ट किए, ये तो डेसिमल में था, हमने केवल तरीका समझने के लिए कि जो तरीका आप जानते हैं वही तरीका, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, बहुत कन्फ्यूजन होती है भैया ये बाइनरी है, बाइनरी को कैसे करेंगे, यहाँ पे तो कुछ बेस होता है, कुछ इंडेक्स होता है उसका, कुछ पावर लगा के तब मल्टीप्लाई करते हैं, बच्चे बार बार भूलते हैं, पता नहीं कोई तो मल्टीप्लाई करते रहते हैं बार बार ऐसे, जो बाइनरी कन्वर्टर कन्वर्जन का तरीका होता है, आपको ये भी एक गलत तरीका जो होता है एक्चुअली में सिखाया जाता है कि जैसे मान लीजिए हम ये दिया है नंबर 2592, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 से आप डिवाइड करते हैं, तो वो क्या करते हैं बार बार 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करते हैं, 0 ऐड करते हैं, एक्चुअली में आप यही कर रहे होते हैं एक गलत और एक लेंदी मेथड से, एक लेंदी मतलब आप एक यूजलेस मेथड है उससे आप यही चीज कर रहे हैं, जो कि हम बहुत आसान वाले तरीके से करेंगे, जो तरीका एक स्टैंडर्ड तरीका है। आप इसीलिए कन्फ्यूज होते हैं क्योंकि आप इसको दूसरा समझते हैं, एक आप समझते हैं बाइनरी एक स्पेशल दुनिया है, एक स्पेशल नंबर सिस्टम है, डेसिमल एक अलग नंबर सिस्टम जो नॉर्मल है, ऐसा नहीं है, हम डेसिमल के यूज्ड टू हो गए हैं, मतलब डेसिमल को ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर, तो हमें डेसिमल ही समझ में आता है, आप बाइनरी को भी बराबर से यूज़ करेंगे आपको बाइनरी भी समझ में आएगा, ये याद रखिए। ये इसीलिए समझ में आपको समझा रहा हूँ कि आपको आगे चल के वेरिएबल में आप वही जो इंट ए इक्वल 10 आप देखें, जैसे ही आपको पूरा प्रोसेस दिमाग में दौड़ जाएगा पूरा कि कैसे पूरा बाइनरी से हम कन्वर्जन करते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है, 10 को कैसे वो कन्वर्ट करेगा बाइनरी में, फिर कैसे वहां पे जाएगा, ये कन्वर्जन का तरीका। देखिए आपको ये यहाँ पर समझ में यहाँ पे आ जाना चाहिए कि यहाँ पे कोई स्पेशलिटी नहीं है, जो प्रोसेस हमने यहाँ पे फॉलो किया एग्जैक्टली वही प्रोसेस हमने यहाँ पे भी फॉलो किया, ठीक, जो प्रोसेस यहाँ पे था वही प्रोसेस यहाँ पे था, ये यहाँ पे और छोटा कर लेते हैं, समझ में आएगा आपको और क्लियरली, जो प्रोसेस हमने इसमें फॉलो किया वही प्रोसेस हमने इसमें फॉलो किया, दोनों नंबर सिस्टम एकदम हूबहू एक दूसरे के आमने सामने हैं, बस उसमें बेस जो है 10 है, यानी 10 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं डिजिट की, इसमें केवल 2 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं एक डिजिट की। अब देखिए यहाँ पे हमने ऐड कर लिया, यहाँ पे 9435 हमारा आया, यहाँ पे भी क्या करना है, सारी के प्लेस वैल्यूज को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए पहले क्या आया 1 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 8, ठीक, इसका 0 आया था, इसका क्या आया था 8 आया था, ऐड कर लीजिए आप 213 और 8 11, तो भैया क्या था ये, क्या लिखा था यहाँ पे देखिए, ये जो हमने लिखा था ना, मैं क्लियरली और थोड़ा लिख देता हूँ एक बार, 1011 ये बाइनरी में लिखा था, ये देखिए ऐसे बेस 2 ऐसे लिखता था लिखा, आप उसको ब्रैकेट में बंद करके नीचे आप लिख दिए किस बेस में लिखा है, तो सामने वाला समझ जाएगा यहाँ पे बेस 2 है, यानी बाइनरी में लिखा है, ये बराबर एक्चुअली में क्या है, ये इसके बराबर है, यहाँ पे देखिए 11 है, ये एक्चुअली में क्या लिखा था डेसिमल में क्या लिखेगा 11, ये यहाँ पे हम बेस 10 लिखेंगे, समझ में आया, ये कन्वर्जन का तरीका, ये बेस 2 जो था वो 11 है बेस 10 में, ठीक, बेस 10 मतलब डेसिमल में क्या हुआ 11 को ऐसे लिखते हैं, तो ये था बाइनरी और डेसिमल को समझने का तरीका। आप प्लेस वैल्यू निकालिए, प्लेस वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, बस यही, ये जो मेन आपके पास जो मेन जिसको कहते हैं कि आप जो मेन आपका वेपन है वहाँ पे जो आप यही है मेन आपके पास जो आपका रिसोर्स है यही है, ये फॉर्मूला आपको कि आप बेस वैल्यू को बेस की पावर इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमने दोनों में सिस्टम में हुई क्या है, बेस लिया है 2 इसमें था उसमें 10 था और उसके इंडेक्स लगा के इंडेक्स आपका 10 राइट हैंड साइड से आप गिनना स्टार्ट करेंगे, पहला इंडेक्स 0 होगा, दूसरा 1, तीसरा 2 और चौथा 3। तो ये तरीका था इंडेक्स बनाने का, मतलब बाइनरी और डेसिमल के कन्वर्जन का। और इसको हम सीख क्यों रहे थे, इसके लिए इस वैल्यू के लिए क्या होता है यहाँ पे, अब देखिए अब आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि एक बाइट क्या होता है, 8 प्लेसेस होते हैं। हम टॉपिक क्या कर रहे थे जावा में, डेसिमल मतलब डेटा टाइप्स का, डेटा टाइप्स में यही था कि भाई इतनी डेटा टाइप्स क्यों बनाई गई अलग अलग, बाइट शॉर्ट इंटीजर लॉन्ग ये सब क्यों बनाया गया यहाँ पे, ये जैसे हमने लिखा था ना, ये देखिए
यहाँ यहाँ पे एक छूटा है, क्या छूटा है मैं लिख देता हूँ फिर से, एक ये वैल्यू छूटी है, एक और होता है बाइट जो जिसको हम डेटा टाइप्स में यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा, ये देखिए बाइट शॉर्ट इंटीजर लॉन्ग कैरेक्टर फ्लोट डबल और बुलियन, ये सारे होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, मतलब ये वो डेटा टाइप्स हैं जो जावा हमें खुद से बना के दे रहा है कि भैया आप इनको यूज़ करिए, आप नॉर्मल खुद के यूज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल एक प्रोग्राम में आप ऐसे यूज़ करेंगे। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के बारे में हम देखेंगे, पहले इसको हम देखते हैं अब क्यों बनाया गया। ये जो इंटीजर की साइज होती है, एक इंटीजर का जो साइज होता है वो कितना होता है 4 bytes, मतलब कि आप जब एक इंटीजर बनाते हैं ये, तो एक्चुअली में क्या हुआ रहता है, ये 4 bytes की लोकेशन वहाँ पे एलोकेट करता है, 4 bytes वहाँ पे हो सकते हैं, 4 bytes की लोकेशन एलोकेट करता है। मतलब ये देखिए यहाँ पे जो ए हम ऐसे बना दिए हैं, ये मेमोरी में क्या होगा, मेमोरी में उसने 4 bytes लिए होंगे, 4 byte मतलब 16 bits, 8 चौक 32 यानी 8 4s are 32, 8 bytes होते हैं 1 byte में, और उसने 4 byte की लोकेशन ली, मतलब 4 byte के स्टोरेज लिया, मतलब उसने 32 bits का स्टोरेज लिया। तो ये एक्चुअली में क्या बनेगा, यहाँ पे मेमोरी में कोई लोकेशन ये लेगा, आपका जो प्रोग्राम है वो क्या करेगा ऐसे यहाँ पे, और थोड़ा लेके जाते हैं, आपको दिखा रहा हूं मैं कि क्या समस्या है। और 26 के बाद यहाँ से 27, 28, 29, 30, 31, 32। अब यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए ऐसे, ये जो हमने लिखा a इक्वल 10, ये ऐसे 8 byte, मतलब 8 byte आपको यहाँ पे हो, तो 1 4 4, ये एक ये आपकी यहाँ पे, ये यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8, ये 1 byte हुई, ऐसे आपकी 4 bytes लेगा, ठीक है यहाँ तक का आगे बढ़ेगा 3 3 6 2 8 यहाँ तक का, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर यहाँ से ये देखिए ये पहली बाइट है, ये दूसरी, तीसरी, ये चौथी, 4 byte की पोजीशन लेगा, 4 byte का स्टोरेज लेगा और उसमें इसको स्टोर करेगा इस नंबर को, समझ में आया। तो इंटीजर का एक वैल्यू जो हम लेते हैं तो उसमें इस टाइप से नंबर हमारा स्टोर होता है। अब देखिए a इक्वल 10 है, 10 को आप कन्वर्ट कीजिए उसमें बाइनरी में, वो तरीका आगे है हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, फिलहाल हमने वहाँ पे डेसिमल बाइनरी बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन इसलिए सीख लिया था कि हम वो काम रहेगा। ब्रीफली मैं इसको दिखा देता हूँ कि आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। 10 लिखिए, 2 से आप डिवाइड कीजिए, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 5 times आएगा, और क्या रिमाइंडर क्या बचा, यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचा, है ना तरीका, रिमाइंडर 0 बचा, ये 0 हम रिमाइंडर इस साइड लिख रहे हैं। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 2 times आएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 1 times आएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 0 times आएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक। अब इसको आपको करना क्या है, आपको इसको रिवर्स करके लिख देना है, मतलब आपको 2 से डिवाइड करना है और आपको रिवर्स करके लिख देना है 1010। ये आपका आया 10 का वैल्यू, ये है आपका 10 एक्चुअली में, 10 जो आप बाइनरी में जो लिखा है ये लिखा है। इसका एक तरीका और है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक छोटा सा तरीका है, हमको डिटेल में उसको नहीं जाना है। क्या करना है आपको, ऐसे ये एक सीक्वेंस है, आपको शायद पता भी होगा, ये 4 bits के लिए, अगर आपको कोई नंबर है जो 4 bit के अंदर आता है, मतलब कि 8 4 12 2 14 1 15, मतलब 15 तक का अगर कोई नंबर है उसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, 15 तक का डेसिमल में है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना, तो ये करना है आपको, आपको ये लिखना है 8421, और इनमें से आपको कौन कौन से नंबर आपको अगर मिल जाए तो आप वो नंबर बना लेंगे, समझिए ज़रा। अगर आपको मैंने कहा कि आप 13 बनाइए, इनमें से कुछ नंबर लेकर, 4 में से आप 4 को ले सकते हैं, या 1 को लें, या 2 को, या 3 को, या आप 4 को ले लें, तो क्या करेंगे, इसको आपको 13 बनाना है। 13 कैसे बनेगा, अगर हमें 8 मिल जाए, 4 मिल जाए और 1 मिल जाए, है ना,
मतलब 841 अगर ये मिल जाए हमको तो क्या बन जाएगा हमारा 13, 8 4 12 और 1 प्लस 1 क्या होगा 13। तो क्या अगर हम इसमें से अगर 8 उठा लें प्लस 4 उठा लें प्लस 1 उठा लें तो हमारा 13 बन के तैयार हो जाएगा, है ना। तो आप इसको बाइनरी में आप लिखने का क्या तरीका है, आपको 13 अगर बाइनरी में लिखना है तो क्या कीजिए, आपको जो जो नंबर में से काम है वो बनाने के लिए उनके नीचे 1 लिख दीजिए और जो नहीं काम है उसके नीचे 0 लिख दीजिए, बस बन गया आपका बाइनरी। 13 आपको बनाना यही करना है आपको, 8 वाले के नीचे 1, 4 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1, बाकी जो 2 आपको नहीं काम है, आप कोई हो सकता है आप n बिट्स का हो आपका, तो वहाँ पे आप जिसको नहीं काम है उसको 0 लिख दीजिए, ये आपका 13 बन के तैयार हो गया। आप चाहिए तो इसको कन्वर्ट करके भी देख लीजिए, थोड़ा सा हम करते हैं रिविजन भी हो जाएगा, चलिए एक छोटा सा एक्सरसाइज की तरह हमारा हो जाएगा, कन्वर्ट करते हैं इसको, देखते हैं 13 आता है कि नहीं। इंडेक्स लिख देते हैं 0, इसको बेटर होगा कि हम अलग जगह पे लिख दें, 1 1 1 0 1, ठीक ये तो है, कन्वर्ट करते हैं चलिए इसे, इसका इंडेक्स 0, इसका इंडेक्स 1, इसका 2, इसका 3, इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 1 into बेस क्या है 2, इंडेक्स 0 बराबर 1, इसका क्या हो जाएगा 0 into 2 की पावर 1 बराबर 0 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा इसका 1 into 2 की पावर 2 बराबर 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 into 2 की पावर 3 बराबर 8। इसको आप खुद से कन्वर्ट करके देख लीजिए, खुद से कन्वर्ट करके जो स्टैंडर्ड तरीका है हम उससे कर रहे हैं, आप उससे देख सकते हैं और इसको ऐड करते हैं 8 4 12 और 13, हो गया ना वही तरीका, देखिए 13 आ गया हमारा। तो वही तरीका है सिंपल सा कि आपको जिस जिसको आपको काम है उसको आप 1 1 लिख दीजिए, बाकी जो नहीं काम है उसको 0 लिख दीजिए। तो ये यहाँ से आप कितना तक का बना सकते हैं, सपोज आप सबको 1 कर दीजिए, सबको 1 1 कर दें हम यहाँ से 1 1 1 1, तो क्या बनेगा यहाँ पे 8 4 12 2 14 1 15, मैक्सिमम नंबर हम क्या बना सकते हैं 15। और यहाँ पे देखिए आपको अगर समझ में आ रहा हो ये 0 1 2 3, ठीक टोटल कितने नंबर्स हैं यहाँ पे, कितने डिजिट्स हैं आपके पास, 4 डिजिट्स हैं, 2 की पावर 4 कितनी होती है 16, तो अगर आपके पास 4 डिजिट्स हैं तो आप वहाँ से कितने नंबर बना सकते हैं 4 से 2 की पावर 4 माइनस 1 यानी 15, ये आपका मैक्सिमम नंबर होगा जो बनेगा। मतलब कि अगर आपके पास n डिजिट्स का नंबर है, अगर आपके पास n डिजिट्स का नंबर है, बाइनरी में बात कर रहा हूँ या डेसिमल में बात कर रहा हूँ, कोई भी नंबर सिस्टम हो, डेसिमल में भी करके दिखाते हैं, बाइनरी में या किसी नंबर सिस्टम में आपको अगर n डिजिट्स का नेचुरल नंबर, आपको n डिजिट्स का नंबर है आपके पास, तो आप उससे n डिजिट में मैक्सिमम नंबर क्या बना सकते हैं, वो जो आपका नंबर सिस्टम है उसका बेस का पावर n माइनस 1, ठीक। यहाँ पे 4 डिजिट्स का था, बेस की पावर n 2 की पावर 4 माइनस 1 यानी 15, मैक्सिमम 15 बना सकते हैं। आप इसको बाइनरी उसमें डेसिमल में करके देखिए, बहुत मजा आएगा। डेसिमल में इसको चेक करते हैं, डेसिमल में हमारे पास एक नंबर है, हम कहते हैं कि 4 प्लेसेस हमारे हो सकते हैं, 4 डिजिट नंबर है, हम कहते हैं ये 4 डिजिट नंबर है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, आपको पता ही होगा पहले से 4 डिजिट नंबर के मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 9999, पता है ना कि आप 999 भर सकते हैं। चलिए फॉर्मूला देखते हैं कि हम जो फार्मूला बनाए हैं या फार्मूला जो हमारे पास है उससे आएगा कि नहीं। क्या करना है, बेस की पावर आपको लिखनी है नंबर ऑफ डिजिट्स, बेस क्या होता है डेसिमल में 10 बेस होता है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं आपके पास 4 माइनस 1, 10 की पावर 4 कितनी होती है ये 10,000 माइनस 1 9999, आ गया ना वही चीज आई। मतलब अगर आपके पास n डिजिट का एक नंबर है तो आप उसे मैक्सिमम नंबर क्या बना सकते हैं 2 की पावर n, मतलब बाइनरी में 2 की पावर n माइनस 1, और अगर आप जनरल की बात करें तो बेस की पावर n माइनस 1 आप मैक्सिमम बना सकते हैं। तो उसी तरह आपको अगर मान लीजिए कोई पूछ रहा है, आप जैसे यहाँ पे 4 डिजिट ले रहे हैं, आपको कितना चाहिए होगा इसके लिए 4 डिजिट चाहिए होंगे आप बनाने के लिए, क्यों हम बनाने थे, हमें एक बनाना था 10 को, ठीक 10 क्या है 15 के अंदर में है, तो हम 15 के अंदर वाले मतलब 4 डिजिट हम लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। उसी तरह से अगर आपको हमने कह दिया कि आप 400 का बनाइए, 400 को आप बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा आपको कितने बाइनरी मतलब कितने आपको बिट्स की ज़रूरत होगी, कितने आपको डिजिट्स की ज़रूरत होंगी।
तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको 2 की वो पावर ढूंढनी है कि जो 400 के सबसे पास में हो, मतलब 2 की पावर वाला कौन सा नंबर है जिसको अगर आप 2 की पावर में कन्वर्ट करें तो 400 के सबसे पास में हो, मतलब 400 से ऊपर हो, उससे नीचे नहीं हो। तो 2 की पावर देखते हैं, 2 की पावर 1, 2, 2, 2, 2, 4, 8 क्या बनता जाएगा, 2, ये देखिए 2, 4, 8, 16, 32, 64, फिर 128, 256, फिर 512, 512, फिर 1024, ऐसे आगे आपका बढ़ता जाएगा, 1024 के आगे ऐसे आपका बढ़ जाएगा 1024, फिर 2048, ऐसे आपका आगे चलता चला जाएगा। आप यहाँ पे देखिए, हमको 400 बनाना है तो हमको ये चेक करना होगा सबसे पहले कि आपकी ऐसी कौन सा इसमें नंबर है जो 400 जिसके नीचे है, मतलब सबसे छोटा से छोटा नंबर जो 400 से बड़ा हो। सबसे छोटा नंबर क्या है यहाँ पे, 512 है देखिए, क्योंकि भाई 1024 से भी बड़ा है, 1024 जो है यानी 1024 वो भी 400 से तो बड़ा है, लेकिन उससे भी छोटा एक नंबर यानी 512 जो है वो 400 से बड़ा है। तो आपको मिनिमम नंबर ढूंढना है जो 400 से बड़ा है, 512 है हमारे पास। अब 512 जो है वो 2 की कौन सी पावर में आएगा, है ना, 2 की कौन सी पावर में 512 आएगा, देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना, 2 की पावर 9 जो है उसमें आप 512 आ जाएगा। मतलब आपको अगर 400 बनाना है तो 400 के लिए आपको मतलब 9 डिजिट्स का नंबर होना चाहिए आपके पास, मतलब 9 डिजिट्स होनी चाहिए जिसपे आपको 400 बनेगा। हो सकता है आपको 8 में भी हो जाए, लेकिन आपको मिनिमम 9 डिजिट, आपको 9 डिजिट्स के ऊपर आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 9 डिजिट्स में आपका 400 बन जाएगा। 9 डिजिट्स में आपका 512 माइनस 1, 2 की पावर 9 512 होती है ना, 512 माइनस 1 यानी 511 तक के नंबर्स 9 डिजिट में आपको बन जाएंगे। ये था कॉन्सेप्ट बेसिक समझने का इसमें, कि अगर आपको कोई एन डिजिट्स का, अगर आपको कोई नंबर बनाना है एन डिजिट्स का, तो आप यही यूज़ कीजिए तरीका। अब मान लीजिए 4 से आगे मुझे बढ़ाना है, 8, 16, 32, 64 ऐसे लिखते जाइए, और ये मतलब अलग अलग हैं, और इसमें आपको जो जो काम हो कोई नंबर बनाने के लिए उन उनके नीचे 1 बाकी नीचे 0 आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था पूरा जो हमारा सिस्टम था, ये किस लिए था, सीधा हम बस ये समझाने के लिए कि बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करेंगे। अब इसको हम यहाँ पे आते हैं अपने ओरिजिनल कॉन्सेप्ट पे, इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको पूरा डिलीट कर दूँगा, बस खाली इतना इतना एरिया फिलहाल ये हमारे काम करने, हमें समझ में आ गया बस। यहाँ से इसे अब देखिए हम क्या कर रहे थे, हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया था 8-10 को, मतलब 10 को क्या आया था हमारा जो तरीका है 8421 हम लिखे थे, और फिर क्या क्या हमें चाहिए, 8 और 2 चाहिए, तो 8 के नीचे 1, 2 के नीचे 1, और 4 और 1 के नीचे 0, 8-2 से हमारा 10 बन गया है, तो 10 का हमारा क्या हो जाएगा 1010, ये हमारा हो जाएगा बाइनरी में। अब देखिए आपको यहाँ हमने इंटीजर टाइप की वैल्यू ली, हमारे पास 32 ऐसे हैं प्लेसेस, मतलब 32 बिट्स हैं हमारे पास, उनमें हमको केवल ये इतना स्टोर करना है 1010, आप स्टोर कर दिए 1010, बाकी खाली तो हो नहीं सकती भाई, क्योंकि कोई चीज़ या जीरो होगी या वन होगी, तो क्या होगा यहाँ सब में जीरो होगा, अब हम लिखेंगे नहीं यहाँ पे, टाइम को वेस्टेज है, यहाँ पे इन सब में जीरो ही रहेगा, सब में जीरो रहेगा। इसका मतलब क्या है कि आपकी एक्चुअली में आपको ने 32 बिट्स एलोकेट कर दी वहाँ पे, ठीक है, 32 बिट्स यानी 4 बाइट्स आपने एलोकेट कर दी उस वेरिएबल को। अब ये 4 बाइट्स जो हैं ये पूरी ए के नाम से ही जानी जाएंगी, ये पूरी ए के नाम से ही जानी जाएंगी, आप जब भी कोई काम करेंगे इन पे ए के नाम से कोई काम करेंगे इन्हीं 4 के काम गए, और इनको कोई और सिस्टम का कोई और एप्लीकेशन इनको टच नहीं कर सकता, क्योंकि ये ऑक्यूपाइड है बिट्स, सिस्टम हमारा कंप्यूटर क्या कहेगा कि भाई ये जो 32 बिट्स हैं आपके पास मेरे पास, इसको मैंने ए नाम के वेरिएबल को दे दी है, अब वो इन पे काम कर रहा है, इसे आप नहीं ले सकते। तो इतनी मेमोरी में से, मतलब इस सारी मेमोरी लोकेशंस हैं, इनमें से आप केवल 4 बिट्स को यूज़ कर पा रहे हैं 1010 को, बाकी सारी आपके पास ब्लैंक जा रही है, यूजलेस जा रही है। इसी प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए आपको अलग अलग डेटा टाइप्स दिए गए हैं। अब आपको ये प्रॉब्लम क्यों इतना आसानी से, आप ये प्रॉब्लम इस पर कैसे सॉल्व हो रही है इसको समझ में आपको तब आएगा जब आप इनकी साइज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो है बाइट, ठीक है, बाइट की साइज क्या होती है, यहाँ पे मैं ऐसे इसको छोटा करूंगा और हम बेटर होगा इस साइड में लिखें, ठीक है,
ठीक है, क्योंकि हमें उधर डेराइव डेटा टाइप के बारे में थोड़ा लिखना है। तो बाइट की इसकी इसकी साइज क्या होती है, नाम से ही समझ में आ रहा है इसकी साइज होती है 1 byte यानी 8 bits। अब आप देखिए, हम वहाँ पे जो int a इक्वल 10 लिखे थे वहाँ पे हम सीधा लिख सकते हैं बाइट a इक्वल 10, मतलब हम a का बाइट डेटा टाइप अगर बना दें तो हमें बहुत एफिशिएंट हमारा प्रोग्राम हो जाएगा। हमें पता है कि उसने 10 मतलब 4 बिट्स ही हमें स्टोर करनी है, 10 मतलब 4 बिट्स का है, तो हम उसके भाई 4 बिट्स तो हम एक निबल रहता तो कोई डेटा टाइप हमारे पास है नहीं, तो हमें मिनिमम 1 byte तो लेना ही लेना पड़ेगा, मिनिमम 1 byte हमें लेना पड़ेगा। तो हम 4 byte ना लेकर के हम 3 byte छोड़ देंगे, भाई सिस्टम अपना यूज करे, हम केवल 1 byte लेंगे, 1 byte मतलब 8 bits लेंगे, उसमें अपना स्टोर कर देंगे। इसीलिए डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट आया कि आप अगर आपको नहीं काम है तो आप बड़ी वैल्यूज लेकर के क्या करोगे, आपको 4 byte स्टोर 4 bit आपको स्टोर करनी है 1010, और आप पता लगे आप 128 bits लेकर के बैठे हो, 128 bits आपके पास स्टोर है, आप उसमें 4 का यूज़ कर रहे हो, बाकी सारी की सारी यानी 124 वैसे खाली पड़ी हैं, वो बहुत इनएफिशिएंट तरीका है। इसलिए आपको ये तरीका दिया गया है कि आपको 1 byte आप यहाँ पे आपको 4 bits का स्टोर करना है, आप 1 byte ले लीजिए। शॉर्ट का क्या होता है, 2 bytes, शॉर्ट क्या साइज होता है 2 bytes। अगर आपको कोई ऐसा नंबर है जो आपको 16 bits चाहिए मतलब 2 byte चाहिए तो आपको उसके लिए शॉर्ट डेटा टाइप यूज करते हैं। इंटीजर का क्या होता है, 4 byte हम बता ही चुके हैं, 32 bit लेता है इंटीजर, इंटीजर टाइप का आप जैसे वैल्यू बनाते हैं 32 लेता है। लॉन्ग जो होता है, लॉन्ग का कॉन्सेप्ट और है, ये लॉन्ग का जैसा होता नहीं कि अगर अलग अलग नंबर है तो लॉन्ग का क्या है कि ये 8 byte लेगा आपका, क्या लेगा आपका लॉन्ग 8 byte लेगा, क्यों, क्योंकि इसमें आप बड़े नंबर से स्टोर करें, जैसे मान लीजिए आपको अभी आगे आप सुन चलेंगे तो मान लीजिए हमको कैलकुलेटर बनाना है, उसमें हमें स्टोर करनी है 15^7 सपोज स्टोर करनी है हमें, अब क्या हमें इंटीजर में काम चल जाएगा 4 bits में, 4 byte में, 4 byte देखिए 16 bit हुआ, वो 4 byte मतलब 32 bit हुआ, 8 × 4 32 bit हुआ, वही तरीका जो हमें यूज़ किया है। 32 bit में मैक्सिमम कितनी वैल्यू आएगी आपकी, देखिए हमें अभी तक क्या करना था, हमें जैसे हम अगर 4 bit का नंबर लिए थे तो उसमें मैक्सिमम आई 15 आई थी, 400 स्टोर करने के लिए हमें 9 bit का नंबर चाहिए था, हमें यहाँ पे क्या स्टोर करना है, एक कर हमारे पास क्या है इंटीजर टाइप जो है उसमें क्या आता है हमारे पास, हम बता दिए हैं कि 4 byte के लोकेशन लेता है, मतलब उसमें 32 bits आएंगे, उसमें क्या ये देखें यहाँ पे 32 bits में आएंगी, 32 bits आएंगी। अब देखते हैं इसमें मैक्सिमम कितना स्टोर हो सकता है, तो मैक्सिमम कैसे निकालते हैं हम, 2 की पावर नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 2^32 - 1 2^32 - 1 निकाले 2^32 2^10 क्या होगी 1024 10 तक का 1024 आगे चले करते हैं इसको यहाँ से 1024 का ट्वाइस क्या होगा 2048 10 क्या होगा 2^10 है ये क्या है 2^10 में क्या आता है 1024 ये 11 आएगा 11 के पास फिर 4096 फिर 8192 16000 ठीक है। अगर हम अब कितना 4 bytes हम ले रहे हैं 4 byte मतलब 32 bits 8 × 4 = 32 32 bit के लिए हम ले रहे हैं 16 ठीक है ये वाला हमारा 16000 इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 300 आएगा 16000 1 × 2 = 3 और 84 ठीक है 16384 और आगे अगर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे मैं ऐसे सीधा कैलकुलेटर में करके देख लेते हैं हम कि कितना आएगा मैक्सिमम वैल्यू तो 2^ यहाँ पे हम लिखते हैं 2^ यहाँ से करते हैं 2^ मैं लिखता हूँ यहाँ पे 32 ये देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे 2^32 तो कुछ ये वैल्यू हमारे पास है मैं कैलकुलेटर में देख रहा हूँ 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 करके ये 2^ कितनी आ रही है 32 में ये 4 करके आगे फिर जो आगे बढ़ता में आ जा रहा है इतना वैल्यू तो क्या कहते हैं इंटीजर चूंकि क्या है 4 byte का होता है तो इस पे इतनी वैल्यूज आ सकती हैं। अब 4^ आप लेकर चलते हैं 4^ हम लेकर चलेंगे कितना आएगा 4 2 9 4 2 9 4 9 6 7 9 6 7
296। ये देखिए इतनी वैल्यू, मतलब यहां तक आप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अगर इंडियन सिस्टम में हम इसको बात करें, कॉन्स्टेंस 100,000, 10,000, 10,000, 10,000,000, 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 10,000,000
मतलब 29,49,67,296, ठीक है। इतना वैल्यू आप, इतना बड़ा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं एक इंटीजर में। तो अब आप सोचिए कितना यूजलेस है, मतलब कितना इनफिशियंट सिस्टम है अगर आप 10 को स्टोर करने के लिए सीधा इंटीजर लेते हैं, आप 4 बाइट लेते हैं। और अगर आप यही को अगर आप लॉन्ग पे लेकर जाएं, यहाँ पे मैं आप दिखाता हूँ, यहाँ पे ये जो लॉन्ग होता है इसकी 8 बाइट्स होती है, इसमें सोचिए कितना बड़ा वैल्यू आएगा, कितना बड़ा निकालते ही हैं 8, 64, 19 में जा रहा है, आप ये समझ लीजिए, यानी 10^19 में इतना नंबर जा रहा है। आप 19 डिजिट्स का तक का नंबर उसमें स्टोर कर सकते हैं, कितना बड़ा नंबर। तो अगर आप एक छोटा सा वैल्यू स्टोर करने के लिए आप इतना बड़ा नंबर यूज करें तो आपका प्रोग्राम बहुत इनएफिशिएंट होगा। और जावा ने इसको दूर करने के लिए यही तरीका दिया है आपको, कि आपको वेरियस काइंड ऑफ डेटा टाइप्स आपको दिए हैं, अलग अलग बाइट दे दिया है आपको केवल 8 बिट्स के लिए, मतलब केवल 1 बाइट के लिए, शॉर्ट दिया है आपको 2 बाइट के लिए, इंटीजर दिया है आपको बड़ा नंबर स्टोर करना है यहाँ तक का रेंज का, क्या रेंज थी यहाँ पे, यहाँ तक का रेंज का अगर आपको नंबर स्टोर करना है तो आप इंटीजर टाइप का यूज कर दीजिए, उससे भी बड़ा आपको स्टोर करना है तो आप लॉन्ग यूज कर लीजिए। दिस इज द रीजन फॉर गिविंग दिस मेनी डेटा टाइप्स इन जावा, इतने सारे डेटा है कि यही रीजन है। अब लॉन्ग का हमने देख लिया, अब इसके डेटा टाइप्स के बारे में इनको देखते हैं, बाइट का 1, शॉर्ट का 2, इंटीजर का 4 और इसका लॉन्ग का 8। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो सारी वैल्यूज हैं यहाँ तक, ये सारी मतलब इंटीग्रल वैल्यूज स्टोर करते हैं, इंटीग्रल मतलब कि नॉन फ्रैक्शनल, ये कोई वैल्यू आपकी नॉन फ्रैक्शनल होनी चाहिए, किसी में फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। फ्रैक्शनल मतलब जो इसको हम डेसिमल बोलते हैं अपने नॉर्मल बातचीत की भाषा में, कि डेसिमल नंबर्स मतलब नहीं होने चाहिए, दशमलव में नहीं होने चाहिए, 2.94, 9.64 ऐसी वैल्यूज नहीं आ सकती इसमें, आपको इसमें इंटीजर वैल्यूज ही केवल आएंगी, वो माइनस हो या प्लस वो अलग बात है, आएंगी केवल आपकी इंटीजर वैल्यूज ही, ठीक है, कौन सी इंटीजर वैल्यूज केवल आएंगी आपकी इसमें। तो ये था तरीका आपको इंटीजर बताने का। दूसरा जो तरीका है, यहाँ पे कैरेक्टर है जो हमारा दूसरा, ये क्या लेता है हमारा, केवल 1 बाइट लेता है, प्यारा सा एकदम छोटा सा। कैरेक्टर क्या है आप जरा देखिए, कैरेक्टर एक्चुअली में क्या है, और कुछ नहीं बस हम जो लिखते हैं 1 ABCD 1 2 3 4 1 2 3 4 भी एक कैरेक्टर्स ही हैं एक्चुअली में। क्या हैं कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पे देखते हैं, जो 1 2 3 4 हैं वो भी अगर हम उसको कैरेक्टर की तरह लें, जैसे अगर हम ऐसे लिखते हैं जावा में ऐसे सिंबल में अगर हम लिख देते हैं ए लिख देते हैं या ऐसे सिंबल में 1 लिख देते हैं तो उसको एज अ सिंगल कैरेक्टर मानता है। कैरेक्टर का मतलब क्या है कि आप जो वैल्यूज लिखते हैं, जैसे हम प्रोग्राम लिखते हैं जब सोर्स को टाइप करते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम ABCD करके लिखते हैं ना, system.out.println, उसमें जो SYSATME है ये सब लिखते हैं, ये सारे कैरेक्टर्स हैं। और एक ऐसे आपको कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करनी है किसी वेरिएबल में तो आप उसके लिए कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे, कैरेक्टर का। और कैरेक्टर जो ही होता है, कैरेक्टर की जो साइज होती है जावा में जो साइज यूज करते हैं हम डिफॉल्ट साइज वो क्या होती है, ये 2 बाइट्स। कैरेक्टर क्या होती है 2 बाइट्स जावा में। याद रखिए आपको अलग प्रोग्राम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से बातें हैं, सी में होता है ये अंतर होता है, कैरेक्टर 1 बाइट का होता है, इंटीजर वहां पे 2 बाइट्स से केवल होता है, यहाँ पे केवल इतना होता है 2 बाइट्स का, यहाँ पे बड़े होते हैं। यहाँ पे जावा में 4 बाइट का इंटीजर दिया गया है, लॉन्ग 8 बाइट का दिया है, कैरेक्टर 2 बाइट का दिया गया है। उसके बाद फिर आपका ये जो आप बाकी जो डेटा टाइप हैं, ये दोनों जो हैं फ्लोट और डबल, ये क्या स्टोर करते हैं, ये फ्रैक्शनल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए काम आते हैं, ये फ्रैक्शनल वैल्यूज को स्टोर करते हैं फ्लोट और डबल, ठीक है। फ्लोट का मतलब क्या है, सिंपल वही बात, फ्लोट जो होता है वो आपको एक फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर करेगा, उसकी साइज क्या होगी फ्लोट की, इसको मैं थोड़ा बेटर यहाँ देखते हैं क्योंकि हम एरो से नीचे जा रहे हैं, ये कैरेक्टर 2 बाइट्स, फ्लोट की जो साइज होती है ये भी 4 बाइट्स होती है। याद रखिए फ्लोट की और इंटीजर की साइज जो है वो 4-4 बाइट है, लेकिन वहां पे इंटीजर जो है वो इंटीग्रल वैल्यूज स्टोर करता है, फ्लोट जो है फ्रैक्शनल वैल्यूज स्टोर कर सकता है, और वो डबल जो है ये 8 बाइट्स लेता है,
और जो अलग अपना जो एक दूसरा टाइप है बूलियन, जैसे आप देखते हैं ये केवल वन बाइट लेता है। बूलियन का मतलब क्या होता है, ये स्पेशल एक डेटा टाइप है, इसको ट्रू या फॉल्स स्टोर करने के लिए बनाया जाता है। मतलब ऐसी कोई चीज अगर कोई वैल्यू है जो या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स होती है, हो सकती है, जैसे मान लीजिए 9 इज ग्रेटर देन 4, ये ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू या फॉल्स दोनों नहीं हो सकती कभी भी, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, उसको स्टोर करने के लिए आप बुलियन टाइप का यूज करते हैं। मतलब आपको कोई कंडीशन है, कंडीशन की जो वैल्यू आएगी वो सही होगी या गलत होगी, या करेंट कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, उसको स्टोर करने के लिए आपको ये बुलियन में वन बाइट का, और यहाँ पे वन बाइट भी नहीं होता एक्चुअली में। अगर आप बुलियन देखें तो यहाँ पे बाइट तो हम देखते हैं, बाइट के लिए ये होता है यहाँ पे जो हमने डेटा टाइप देखा है वन बाइट, लेकिन देखिए बुलियन क्या है, आपको केवल जीरो या वन यहाँ पे स्टोर करना है। समझिए जरा इसको, यहाँ पे जैसे हमने देखा बाइट क्या हो गया, ये देखिए इधर से बाइट क्या हो गया, ये हो गया बाइट आपका। यहाँ पे आपको बाइट में चार मतलब आठ आपको बिट्स मिलती हैं, यहाँ पे आपको बहुत बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, वहां पे आपको केवल ट्रू या फॉल्स स्टोर करना है, या तो है या नहीं है, उसको आप केवल एक बिट से दर्शा सकते हैं, जीरो या वन, जीरो मतलब फॉल्स, वन मतलब ट्रू। इसीलिए जो इसकी डेटा टाइप की बुलियन की जो साइज दी गई है वो यहाँ पे जावा में आपको कितनी दी गई है, सीधा सीधा केवल वन बिट, सबसे एफिशिएंट डेटा टाइप यहाँ पे। अगर आपको काम अगर नहीं है फालतू की बिट्स का तो आप वन बिट केवल, इसका बुलियन का जो डेटा टाइप का साइज होता है केवल एक बिट लेता है आपकी मेमोरी में, एक बिट में ही अपनी वैल्यू स्टोर कर लेता है, या ट्रू या फॉल्स मतलब या वन या जीरो। ये हुई हमारी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स मतलब ये डेटा टाइप्स हमको डिफॉल्ट जावा ने प्रोवाइड की है अपनी तरफ से, और बाकी जो डेराइव डेटा टाइप्स हैं जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे, डेराइव डेटा टाइप्स का मतलब यहाँ पे आप इन डेटा टाइप्स का यूज करके अपने खुद के डेटा टाइप्स बना सकते हैं जो आप प्रोग्राम में यूज करेंगे। मतलब जिनके अंदर तो एक्चुअली में यही डेटा टाइप्स रहेंगे अलग अलग, लेकिन वो आपका एक सिंगल एंटिटी की तरह फंक्शन करेगा, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हमारे जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं वो यही हैं आठ, हमारे बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, ये हमारे इंटीग्रल वाले हैं। कैरेक्टर और बुलियन हमारे अलग अलग, कैरेक्टर हमारा कैरेक्टर कोई वैल्यू स्टोर करता है, बुलियन हमारा ट्रू या फॉल्स स्टोर करता है केवल एक बिट का, और फ्लोट और डबल जो हैं ये हमारे फ्रैक्शनल वैल्यूज स्टोर करने काम आते हैं। एक चीज मैं आपको और क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पे, जो पिछले में हम ध्यान नहीं दे पाए, क्या है कि यहाँ पे देखिए 2 की पावर 32 है, मतलब मैक्सिमम आपका जो स्टोर होगा वैल्यू वो क्या होगा, मैक्सिमम आपकी जो वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी वो कितने नंबर्स की होगी, 2 की पावर 31 एक्चुअली में। क्यों, क्योंकि वही देखा ना कि अगर हमने 4 डिजिट का नंबर लिया था तो 2 की पावर 4 माइनस 1 वो मत यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये नहीं, 2 की पावर 32 माइनस 1 यहाँ पे रहेगा, मतलब यहाँ पे 4294967295 मैक्सिमम वैल्यू ये स्टोर हो सकती है। 96 आपको स्टोर करने के लिए आपको एक बिट और बढ़ा के स्टोर करना पड़ेगा। ये तो आपका ये वैल्यू था, लेकिन आप ये ध्यान दीजिए यहाँ पे वो जो 32 बिट्स हमारे पास हैं वो पूरी यूज नहीं होती हैं, जो रियल प्रोग्रामिंग होती है उसमें 32 बिट्स आपको पूरी यूज नहीं कर सकते, वहाँ पे एक बिट जो होगी आपकी जो 32nd वाली बिट होगी वहाँ पे उसका यूज होता है आपके प्लस या माइनस बताने के लिए कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू तब हो सकती है, ये आपका एक अलग कॉन्सेप्ट है साइंड और अनसाइंड नंबर्स का। मतलब अगर आपको नंबर साइन नहीं यूज करना है, मतलब आपको प्लस माइनस नहीं करना है, सीधा प्लस में ही खाली नंबर स्टोर करने हैं, तो आप मैक्सिमम यहाँ तक जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको साइन यूज करना है, मतलब आपको यह देखना है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके लिए क्या करता है प्रोग्राम, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे पास बना है क्या अभी, हाँ ये देखिए यहाँ पे जो ये वाली बिट होती है, ये जो लास्ट 32nd वाली, इसको ये रिजर्व करके रखता है। किस लिए, आपकी जो वैल्यूज जो फ्रैक्शनल वैल्यूज होती हैं, वो जो साइन वैल्यूज होती हैं कि आपका नंबर प्लस है या माइनस है, उसके लिए। अगर इसका वैल्यू 1 हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर 0 है तो प्लस हो जाएगा। तो इसके लिए तो आपको एक्चुअली में जो आप स्टोर कर सकते हैं नंबर, वो ये नहीं स्टोर कर सकते, एक्चुअली में आपको जो नंबर मैक्सिमम स्टोर कर सकते हैं वो ये होगा 2 की पावर 31 माइनस 1, ये वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं। इसको क्या है अगर निकालें यहाँ पे मैं देखता हूँ, कैलकुलेट करने से अच्छा है हम यहाँ पर सीधा लिख देते हैं 2 की पावर 31। ये देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, 2147 147 483
4836 48 ये, और इसमें माइनस वन आप कर दीजिए तो ये आएगा आपका 2147 483 647। ये मैक्सिमम वैल्यू होगी जो आप मैक्सिमम वैल्यू एक आप एक इंटीजर टाइप की वैल्यू में स्टोर कर सकते हैं विद साइन। ये प्लस भी हो सकता है, ये क्या हो सकता है, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू, ये आप वहाँ पे आपको नहीं बताया, वहाँ से आपको फिर ये समझ आता है कि हम एक बिट क्यों छोड़ रहे हैं वहाँ पे। अब आपको जब आपने वहाँ पे देखा, यहाँ पे आपको क्लियर होगा कि एक बिट हम इसलिए छोड़ रहे हैं, हमें प्लस और माइनस दोनों टाइप की वैल्यूज स्टोर करनी है। तो एक जो लास्ट वाली बिट रहेगी हमारी, ये बताएगी कि नंबर आपका प्लस में है या नंबर आपका माइनस में है। तो ये था तरीका हमारा प्लस और माइनस को स्टोर करने का, मतलब आपके एक नंबर्स को आप अगर सिंपली नंबर्स स्टोर कर रहे हैं तो डेटा टाइप्स का यूज़ करके नंबर को स्टोर करने का। तो ये बेसिक डेटा टाइप्स हैं जो जावा आपको प्रोवाइड करता है। आप इसको चाहें तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के या कहीं नोट करके रख सकते हैं, ये मैंने एक जगह पे किया। अगले क्लास में हम क्या करेंगे, हम जो डिराइव्ड अपने डेटा टाइप्स हैं उनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, डिराइव्ड डेटा टाइप्स क्या होते हैं और इनको हम यूज़ करके के कैसे इसमें करते हैं। फिलहाल के लिए बस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।